अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरानी वीलॉग्स और इंडिया की शर्मनाक हार इज कमिंग सून, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के हो गए 5 आउट। वही हुआ है जो हमेशा इनके साथ होता है। इनके जो टॉप प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, पहले केएल राहुल थे, अब शुभमन गिल आए, लेकिन सबके सब हो गए नाकाम और 5 विकेट गंवा बैठे हैं और फॉलो ऑन का डर अब इंडियन ड्रेसिंग रूम में छाया जा चुका होगा। और इंडियन जो फैंस हैं और इंडियन जो मीडिया है वो खासा नाराज है, हर बार ही ऐसा करते हैं। हमने कल भी आपको बताया था वीडियो में कि उनको आदत डालनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया चढ़ के इनके ऊपर दौड़ा हुआ है और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने भी मायूस नहीं किया, बैटिंग ने भी मायूस नहीं किया और ये जो आईपीएल के शेयर हैं ये इस बार फिर ढेर होंगे। आप जब नॉकआउट का नाम लेना तो फिर इंडिया को उससे बाहर कर देंगे, क्योंकि नॉकआउट जहाँ पर भी आएगा इंडियन टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जब आपने इतना अच्छा अचीवमेंट, क्योंकि कल रात को कसर थी ना, कोई लोगों को उम्मीद थी, इंडियन मीडिया के अंदर उम्मीद थी, आज तो बिल्कुल वो खलास होकर रह गई है। आज उनके चेहरे उतर गए थे, आज तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या फॉलो ऑन बचा लेगी इंडिया, यानी कि वो हार चुके हैं। बल्कि मेरा ख्याल रिजल्ट भी अब यही नजर है, कोई बारिश वगैरह कोई चांस कोई नहीं। देखिए वैसे भाई पहले बातें होती थी साउथ अफ्रीका पे, साउथ अफ्रीका चौक कर देते हैं, लेकिन इंडिया आर द रियल चौकर्स। और जैसे साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है, वो हार के चौक हो गए, उनकी टीम दबाव हो गई है। मुझे लगता है कि अभी अगर हारते गए 2-3 टूर्नामेंट और मजीद हार गए इस तरह के, तो ये तो साउथ अफ्रीका से बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अगला आ रहा है वर्ल्ड कप, इनका जो वर्ल्ड कप इनका इंडिया में है। और जब इंडिया में इन्होंने ऐसे बाहर होना है पाकिस्तान के हाथों, तब इनके जो फैंस हैं इनको छोड़ना नहीं है। मुझे वो फ्यूचर अभी नजर आ रहा है, इनके जो बड़े प्लेयर हैं जिनको इनको सुपरस्टार बनाया हुआ है, ये किसी बड़े मैच में कभी चलेंगे जिंदगी में? मैंने तो कभी इनको चलता हुआ देखा नहीं। जब भी क्रंच मूवमेंट आती है, पिछले 10 साल अगर देख लें कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीते, तो इनके जो बड़े प्लेयर थे हमेशा फेल हुए हैं बड़े मैच में। तो फिर आप रोहित शर्मा को देख लें, कौन से मैच में वो चले? आज शुभमन गिल इतना बड़ा नाम था, बैटिंग लाइनअप इनकी जो दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है वो कहाँ थी? आज नजर आती, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है इनकी बैटिंग ही फेल हो जाती है। आपने जब इंडिया ने जब चेज करना था न्यूजीलैंड के खिलाफ 240 वर्ल्ड कप के मैच में, वहां इनकी बैटिंग कहाँ थी? वर्ल्ड नंबर बैटिंग, जो नंबर वन बैटिंग है वो कहाँ रह जाती है? आज विराट कोहली भी फेल हो गए, रविंद्र जडेजा भी फेल हो गए, पुजारा जिस तरह आउट हुए, पुजारा 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो यूके में थे काउंटी में 200 पे 200 मारते जा रहे थे, जब टाइम आया तो बॉल नहीं खेली गई, बॉल उनका बटन नहीं दबा, मेरा ख्याल उनका बिल्कुल ही वो क्या किस तरीके से आउट है, एक शर्मनाक तरीके से, मुझे शर्म आ रही थी देखते हुए कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए उनके जो एंकर हैं वो भी आज लगे हुए थे और बता रहे थे कि ये आईपीएल के प्लेयर रह चुके हैं, ये 4 ओवर के बॉलर्स हैं और ये 20 ओवर के बैट्समैन हैं, इनको सिर्फ फेम चाहिए। देखिए ना, इनको इनके अगर ये दो में आप क्रिकेट खेलते हैं, इनको फ्रेंचाइज इतना नवाज देती है पैसों से कि इनको तलब नहीं है इंडिया की तरफ से भी खेलना चाहते नहीं है। जैसे इनके पास एक होता है ना पैशन नहीं है, इनके पास एक मुल्क का पैशन नहीं है, वो साफ रोहित शर्मा की फिटनेस में नजर आता है। वो विराट कोहली भी आपको पता है स्वैग है, वो आरसीबी से दो लगाते हैं इतना का, उसका 10% भी अगर इंडिया के खिलाफ ये इंडिया के बारी खेलते हुए लगाए ना, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचे। वैसे विराट कोहली अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी प्लेयर्स की समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, स्टीव स्मिथ का नाम विराट कोहली के साथ ही आता है, बड़े मैच में परफॉर्म किसने किया है? आप विराट कोहली के मैच विनर कहते हैं, वो मैच विनर है, अभी भी होंगे आपकी नजर में, लेकिन वो मैच विनर थे मेरा ख्याल है, जो पहले इंडिया को मैच जितवाते थे ना, जब धोनी कैप्टन होता था ना, तो वो चीज अब इंडिया में वापस नहीं आ सकती मेरा ख्याल है। वो जो धोनी का जो करिश्मा था ना, धोनी जिस तरह क्रंच मैचेस में खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे, अब तो वो चीज नजर नहीं आती। अब रोहित शर्मा एक कप्तान है, अब वो कप्तान किस तरह के कप्तान है, जब भी क्रंच मैच आता है वो आराम से आउट होकर साइड पे होकर निकल जाते हैं, फिर दूसरों पर डाल देते हैं, और दूसरे तीसरे जो आपने अपने सुपर स्टार बनाए हुए हैं अभी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं, अभी 2-3 मैच जिन्होंने खेले होते हैं, तो उनको आप सुपरस्टार बनाते हैं, फ्यूचर स्टार बनाते हैं, फिर उनकी जब असलियत खुलती है, जब वो नॉकआउट में खेलते हैं, जब प्रेशर सिचुएशन आती है, तो फिर ये उनका हाल होता है, फिर आपके जो चेहरे रोना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके फैंस पे तर्ज आ रहा है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में भी पता क्या होना है, इनके इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस होनी है, सेंचुरी पे सेंचुरी टक रही है रोहित शर्मा की, उन्होंने हो सकता है ग्रुप में टॉप भी कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है टॉप कर जाए, लेकिन जब नॉकआउट रविंदर जडेजा को आउट किसने किया? लेथन लॉयन ने आउट किया, जो उनके जो बेस्ट स्पिनर है उन्होंने स्पिन खिलाई हुई थी। हमारी इंडिया की तरफ से आज जो उनका बेस्ट स्पिनर, बल्कि दुनिया का बेस्ट स्पिनर जो अश्विन है, वो पानी पिला रहा था। तो ये इनकी जो ना टीम सिलेक्शन है, और उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की स्ट्रेंथ है पूरी दुनिया में हमारी बैटिंग मानी जाती है, नंबर वन बैटिंग है। आपको बस मौका मिल गया, टॉस जीत गए आप, लेकिन आपने दे दी अगलों को बैटिंग, आपने अपना यानी कि वहां पर इनिशिएटिव लूज कर दिया ना, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप भी दो घंटे जो है ओवरकास्ट के वो सर्वाइव कर पाए, आप डर गए कि आप यार उनको खिला देते हैं। अब उन्होंने दो घंटे सर्वाइव कर लिया, और उसके बाद उन्होंने आपको जो हशर किया कल, वो कॉन्फिडेंस इतना लूज हुआ। अब आज सुबह देखें
425 स्कोर खा के भी इनके जो प्लेयर थे कह रहे थे कि हमने बड़ा जबरदस्त आउट कर दिया, कमेंट्री ऐसे हो रही थी इंडियन अच्छा तो इंग्लैंड में परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हराया है, एक सीरीज हुई थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की 2010 में इंग्लैंड में, वहां पर पाकिस्तान ने इनको बड़ा इजीली हराया था और ऑस्ट्रेलिया की टीम इससे मेरा ख्याल टीम 10 गुना तगड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। ये पॉन्टिंग माइकल क्लार्क पता नहीं क्या क्या था उसमें, माइकल असी भी थे। अब तो जो मेरा ख्याल इंडिया का जो मेरा ख्याल बहुत ही मुश्किल, कल हमने बात की थी कि जो दो रिजल्ट पॉसिबल है कि या तो ड्रॉ हो सकता है या फिर सॉरी या तो ड्रॉ हो सकता है या फिर मैच ये जा सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि 95% चांस ही कि ऑस्ट्रेलिया विन करेगा और एक और जो आईसीसी ट्रॉफी है ना वो इंडिया से दूर होगी और नॉकआउट पे इंडिया एक बार फिर नॉकआउट हो रहा है। कल मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।